हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के ऊपर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक न्यूज है सर। आपके जो एग्जाम देने जा रहे हो इस साल कॉलेज के, उसके रिगार्डिंग है कि सर आज की जो बिग अपडेट है सर आपके दैनिक जागरण की, क्या है सर? कोरोना के चलते जुलाई में नहीं होगी कोई भी परीक्षा। मतलब लगभग जितने भी एग्जाम थे सर, जितने भी एग्जाम होने वाले थे, वो लगभग सर सभी एग्जाम कैंसिल कर दिए ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। क्योंकि सर डे बाय डे कोरोना का जो प्रभाव है इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। कल अपने देश के अंदर सर 18,000 से भी ज्यादा केसेज आए थे। तो मतलब रेगुलर ऐसा नहीं कि केस डाउन हो रहे, रेगुलर केस बढ़ रहे। क्या पूरी न्यूज है सर आपके? देखो, छात्रों को वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते मंत्रालय ने दिए हैं संकेत। पूरी न्यूज पढ़ते हैं सर। कोरोना के देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे अनुमानों को देखते हुए फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई को बाकी बची परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान के बाद मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर ऐसे भी संकेत दिए। साथ ही नए सिरे से समीक्षा शुरू की। इस बीच सोमवार को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई। जुलाई में प्रस्तावित जिन परीक्षाओं को रद्द या स्थगित किया जा सकता है, उन परीक्षाओं की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के साथ नीट, जेईई मेन्स आदि परीक्षाएं भी शामिल हैं। तो जो विद्यार्थी नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जेईई मेन्स की तैयारी कर रहे थे, उन सभी के रिगार्डिंग सर ये न्यूज है। आप फर्स्ट टाइम अगर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आए तो सर प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर तरह की वीडियो डाली जाती है इस चैनल के ऊपर। पर्टिकुलर एक अच्छे वे में रेगुलर लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री, नो पेड कोर्सेज। तो प्लीज आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखिए, अगर आपके लिए बेनिफिट मिल पाए तो बहुत अच्छा होगा सर। मैंने कहा सर मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पिछले दिनों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से विश्वविद्यालयों को लेकर घोषित अपनी परीक्षा प्लान और शैक्षणिक कैलेंडर के नए सिरे की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे, जिसे लेकर यूजीसी ने एक कमेटी गठित की है जो सुझाव देगी सर। अब उसने क्या कहा, उसके अलावा सर फिलहाल यूजीसी के मौजूदा प्लान के तहत विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। एक नए शैक्षणिक स्तर से सितंबर से शुरू होना है। मतलब लगभग जो एक नया सर जो शैक्षणिक स्तर होगा वो सितंबर से शुरू होगा। सूत्रों की माने तो शैक्षणिक स्तर में अब अक्टूबर तक खिसकेगा, जिसका प्लान भी सोमवार को हो सकता है। अभी सर कल मंडे को एक और मीटिंग होगी और उसके अंदर सर क्या चेंजमेंट आते हैं कि सर आपकी स्कूल की ओपनिंग वगैरह या कोई भी जैसे कॉलेज वगैरह की ओपनिंग वगैरह आपकी सितंबर में की जाए या अक्टूबर के अंदर। उसके अलावा मैं बताना चाहूँ सर, पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को पहले ही मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने के विकल्प दिया जा चुका है। मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट उनको पहले ही प्रमोट करने के निर्देश दे चुके हैं, उनके जो मूल्यांकन के जो अंक है उनके आधार पर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो सर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जहां तक मुझे जितनी नॉलेज होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। परीक्षा न, अगला पॉइंट क्या है सर, परीक्षाएं न कराने का छात्रों व अभिभावकों के ऊपर काफी भारी दबाव है। क्या है सर, समझना इस चीज को। इस सब के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय का साफ मानना है कि छात्रों की सुरक्षा की कीमत लगाकर परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। वैसे ही सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट को रुख को देखते हुए मंत्रालय भी उत्साहित है, जिसे मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से रद्द किया है। वैसे जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को न कराने को लेकर छात्रों व अभिभावकों में, मतलब सभी क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल की जाए, क्योंकि सर जान है तो जहान है, तभी तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आगे चलो इस साल नहीं दे पाए, लेकिन अगले साल अगर आप जिंदा रहोगे तो कुछ अच्छा सक्सेस पॉइंट में जा सकते हो। बाकी जहां तक आइडिया है सर, जुलाई में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सभी एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। मंडे को कल सर क्या न्यूज आती है उससे जुड़े रहने के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों अपने वीडियो को स्टेटस लगा दीजिएगा व्हाट्सएप, ताकि सब लोगों के पास ये न्यूज पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।